गाइस अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बनाने जा रहे हैं सीख की बोटियाँ, क्यों क्योंकि मेरा दिन बहुत दिन से चाह रहा है कि मैं बारबेक्यू करूँ। तो मूड तो कब से था बारबेक्यू करने का, लेकिन कभी सोचा बकरीद आ रही है तो क्यों ना, जब बारबेक्यू का महीना चल रहा है तो बारबेक्यू करते हैं। तो कल करना है हमें बारबेक्यू, लेकिन मैंने सोचा अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी से लगा के रखेंगे तो मसाले इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे जो पीसेस है वो भी गल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या हमें मसाले चाहिए इसके लिए। तो ये पीसेस हमने हमने गोश्त लिया है, हमने मटन लिया है, आप चाहे बीफ में बना सकते हैं, आप चाहे चिकन में बना सकते हैं। तो ये हमने रूखा रूखा मटन, तो आप जानते हैं कितना चिकना होता है, तो रूखा रूखा हमने पहले से ही जब बकरा कटा था उसमें निकाल के अलग से रख दिए थे। तो ये इस तरीके के पीसेस हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, इसमें आप चाहे लंबे काट लें। लेकिन एक तो मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि सीख बोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है दिल, जो कि दिल है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन बकरे के जो दिल विल जो उसी टाइम मन गए थे ना, तो इतना दिमाग नहीं था कि उस टाइम किए करना है था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें रेशेदार भी गोश्त चल जाता है, अगर आपके पास दिल हो, और दिल हो या कलेजी हो, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम दिल नहीं था, तो हमारे पास बकरे का गोश्त रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बकरे का गोश्त 2 मिनट में गल भी जाता है, तो हम पूरी रात लगा के रखते हैं और अच्छे से हमारा मैरिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा, हमारे पीसेस भी गल जाएंगे और हमारा मसाला भी खूब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमने रेशे वाला गोश्त लिया है। आप चाहे दिल ले सकते हैं, आप चाहे कलेजी ले सकते हैं, ये आपका मन है। तो चलिए सबसे पहले मसाले की तरफ चलते हैं। पहले आपको हम जो हमें सूखे टाइप के मसाले लगाने वो दिखा देते हैं। तो ये हमने लिया है कच्चे पपाया का पेस्ट, एक मिनट मैं आपको सिंगल करके दिखाती हूँ। ये लिया है हमने कच्चे पपाया का पेस्ट, जो कि आधा छोटा चम्मच लिया, एक छोटा चम्मच हमने लिया है, क्योंकि हमने पपाया ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि हमें पूरा रखना अपने आप हमारा गोश्त जो है नींबू से ही हमारा गोश्त गल जाएगा, तो इसको पहले साइड में करते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्चे और प्याज, हरे मिर्चे और प्याज को हमने एक साथ पीस लिया था। तो आज हमने बनाया था दोपहर में वाइट मटन अफगानी टाइप का, तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा था, तो हमने इसमें प्याज और हरा मिर्चा एक्स्ट्रा करके पीस लिया था। तो ये 2 बड़े चम्मच हमने ये लिए हैं, तो इसको भी हम साइड में करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे पे आते हैं हमारे है लाइटर का, फिर उसके बाद हमारा है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 3 बड़े चम्मच लिया है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ों में चिकन हो या बर्रा हो, कुछ भी हो, नॉनवेज में अदरक लहसुन तो ज़रूर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है। तो ये हमारे तीनों मसाले हो गए, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है हमारा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये है कच्चे पपाया का पेस्ट। तो चलिए पहले अब हम मसालों की तरफ आ जाते हैं। मसालों में हमने लिया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है बोटी मसाला, ठीक है ना। बोटी मसाला और गरम मसाले को हमने इक्वल बना लिया था, तो इस हिसाब से हम बना लेते हैं। आपको मार्केट में चाहिए, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप चाहें तो वहाँ से ले लीजिए। ये हमने 2 चम्मच लिए हैं, 2 बड़े चम्मच। उसके बाद हमने लिया सॉल्ट टू टेस्ट, एंड यहाँ पे हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। फिर हमने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर, और फिर हमने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर जो कि 2 बड़े चम्मच है, और ये धनिया की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है 4 बड़े चम्मच। तो इस हिसाब से मसाले, धनिया और बोटी मसाला एंड गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये है हमारा ज़ीरा पाउडर। और ये लेमन हम लेंगे, 1 से 1.5 लेमन ले लेंगे, हमारा है क्योंकि हमारे इसमें क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो इसमें से निकाल लेंगे वरना हम। तो चलिए एक चीज़ हम डालना पहले शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पपीता, ठीक है ना, क्योंकि ये खास से मैं अम्मी इस टाइम टीवी देख रही हूँ तो अम्मी को परेशान करना नहीं चाह रहे, तो इस टाइम डालेंगे कच्चे पपाया का पेस्ट। तो फिर हम डालेंगे इसमें प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना। तो ये हम तीनों पेस्ट हमने इसमें डाल दिए, उसके बाद हम अपने सूखे वाले मसाले डाल देंगे जो हमारे इस मम्मी ने मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, ऐसे मसाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले हमारे हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे, और सीख बोटी तो कानपुर की फेमस है, आप जानते हैं, कानपुर में रहते होंगे तो भी जानते होंगे, और दिल्ली में भी बहुत अच्छी मिलती है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने
क्योंकि मैंने दो ही जगह की सिख बोटी ट्राई करी है, कानपुर की ट्राई करी है और उसके बाद मैंने ये हटा देती हूँ, उसके बाद मैंने दिल्ली की कुरेशी जहाँ पे कबाब मिलते हैं वहाँ की ट्राई करी, तो पहले इसको मैरिनेट कर देते हैं खास से। और दिल्ली में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, खाने से लेकर रहने तक का सारा सामान बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है दिल्ली में। दिल्ली कोई महंगी जगह नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद आई दिल्ली, क्योंकि मेरी आंटी भी दिल्ली में रहती हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर हो के आए थे, नेक्स्ट ईयर नहीं हमें लग रहा है 2 साल हो गए हैं जब गए थे हम लोग, तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो आपको भी ले चलेंगे साथ में। अब जहाँ भी जाएंगे तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, हर चीज़ आप लोग से मुझे शेयर करना पड़ेगा, तो मैं कहीं भी जाती हूँ ज़्यादातर हो पाता है मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, जितना मुझसे बन पाता है मैं उतना आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है, तरीके से हम इसको हाथ से मिला लेंगे खूब अच्छे से, हैंड्स तो क्लीन कर लिया आपने, देखिए कितना अच्छे से मसाला सब लग गया है। अभी एक नींबू हम इसमें और मिलाएंगे, तो पहले हाथ धो लेंगे उसके बाद हम नींबू अपना कट करेंगे, ठीक है ना, आप कुछ समझ रहे होंगे। और जो अम्मी को कम लगेगा अम्मी बाद में डाल लेंगी, क्योंकि आज हम मना रहे हैं ना, तो जब जानते हैं क्योंकि अम्मी लोग जो होती हैं ना वो कुछ ना कुछ तो बताती हैं आप जानते हैं क्योंकि कुछ भी बना लो तो अम्मी कहती हैं इनकी चीज़ में कमी लग रही है थोड़ी, लेकिन मेरी अम्मी ऐसा कुछ कहती नहीं है, मैं मुझे सब कुछ आता है आप लोग जानते हैं, खाना पीना सब बनाने से, बस मुझे रोटी हल्की सी बनानी नहीं आती, इंशाल्लाह मैं वो भी सीख जाऊँगी, सबसे डिफ़िकल्ट काम रोटी बनाना। तो ये देखिए हो गया है, पहले अपने हैंड्स क्लीन कर लेते हैं उसके बाद अदरक लहसुन हम मिला वही नींबू मिलाते हैं, तो हमने हाथ धो लिया और इसमें नींबू मिला दिया है, और ये है मेरा सेकेंड स्टेप, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि जब तक कि ऑयल नहीं पड़ेगा जब तक कि अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, और थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा था ये हम नमक मिला लेंगे, और एक बार फिर से एक बार इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम एक हाथ से पकड़े हुए ना तो मिक्स नहीं हो रहा सही से। तो आप लोग मान गए ना मुझे सब कुछ बनाना आता है, तो बस अब करना तो वही काम पड़ता है, इससे बढ़िया अंग्रेज मत बनो और डायरेक्ट हाथ पे आ जाओ देसी लोग हैं, जब तक हाथ नहीं लगेगा किचन क्वींस का तो जब तक चीज़ें नहीं बनेंगी ना। तो ये हम इसको रख देंगे थोड़ी देर, हम इसको रखेंगे फुल नाइट के लिए, ओके इस टाइम टाइम हो रहा है मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 8 बज रहा है ठीक, इस टाइम 8 बज रहा है और अभी हम इसको रखेंगे पूरी रात के लिए, और कल पूरा दिन भी हो सकता है क्योंकि शाम के टाइम आप जानते हैं कि शाम के टाइम अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो इंशाल्लाह शाम के टाइम कल बनाएंगे, तो जब आपसे हम मिलते हैं, और ये रेसिपी प्लीज़ आप लोग मेरी ट्राई करिएगा ठीक है, तो कल चलिए कल आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोयला दहक रहा है और बढ़िया बढ़िया सी हमारी सीख बोटियाँ इसमें जा रही हैं सीख की, क्योंकि हमारे पास ये अंगीठी थी घर में, तो हमने सोचा कि यही वाली अंगीठी पे बना लेते हैं, और ना कि कोई हमने और बड़ी वाली अंगीठी लगाई, घर पे चूल्हा हमारा मिट्टी का बना हुआ, तो मिट्टी की टेस्ट आप जानते हैं कितनी अच्छी अलग होती है ना, मिट्टी की तो अपन की बात ही अलग होती है, तो आप मतलब वेदर भी बहुत अच्छा था, अब जब अच्छे वेदर में छत पे चादर बिछा के जब खाने की सीख बोटी मज़ा ही अलग हो, तो आप देखते जाइए आज इतने बहुत से पत्थर तो मैं नहीं दिख रहे हैं वहीं पर, वो उठा लो प्याज और इधर रख लो सब उठा के, पहले
बहुत लाजवाब है मम्मी। चूड़ी डाल में पाइप में लग गया। और हो जाएगा।